वेलकम बैक दोस्तों, कार बाजार की एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक रेड कलर की मारुति सुजुकी स्विफ्ट लेके आया हूँ। लास्ट बार जो हमने आपको नई स्विफ्ट दिखाई थी वो भी एक रेड कलर में ही थी और वो टॉप एंड वेरिएंट थी, ZXi+ था। वो गाड़ी ऑलरेडी कल सोल्ड आउट हो चुका है, तो आपके लिए आज फिर से एक नया स्विफ्ट लेके आ चुके हैं रेड कलर में। और इस बार OD14 राउरकेला रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है और ये एक SBI के एम्प्लॉय की गाड़ी है, SBI बैंक की। बहुत ही बढ़िया कंडीशन में गाड़ी और कम चली हुई गाड़ी है, अच्छे से मेंटेन करी हुई। सेम रेड कलर में मिलेगा आपको, पेट्रोल वेरिएंट है। कंडीशन गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एकदम ही ब्रांड न्यू कंडीशन में है गाड़ी। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ब्लैक कलर्स में आपको ये स्पॉइलर मिल रहा है, पार्किंग सेंसर्स, HSRP प्लेट सब कुछ लगा हुआ है। ये गाड़ी में एक बढ़िया सुंदर सा की कवर भी लगा हुआ है। आपको बूट एक बार खोल के मैं दिखाता हूँ पहले। पार्सल ट्रे है, ओरिजिनल मैट्स वगैरह सब कुछ है इधर, टूल्स और इधर आपका जैक वगैरह सब कुछ, जो कि आज तक एक बार भी यूज नहीं हुआ है। स्पेयर व्हील देखेंगे तो ये आपका स्पेयर व्हील है, देखिए एकदम ही ब्रांड न्यू, एक बार भी आज तक यूज नहीं हुआ है। जैसे शोरूम से आता है सिर्फ वैसा अभी तक रखा हुआ है। बाकी छोटे मोटे दो चार जगह पे गाड़ी में स्क्रैचेस हैं एकदम माइनर, जो कि मैं आपको रिपेंट करा के दूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा दिख रहा है, ये आगे दिख रहा है, इस टाइप का जो स्क्रैचेस है छोटा मोटा, ये सब मैं आपको करवा के दूंगा रिपेंट। रिपेंट मतलब पूरा फुल पैनल पेंट नहीं होगा, जस्ट उसमें माइनर टचअप्स होंगे। बाकी मारुति जेन्युइन सीट कवर्स लगे हुए हैं गाड़ी में, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में, यूज़ नहीं हुआ है ज़्यादा, तो न्यू ही है। नीचे की तरफ आपको ओरिजिनल रबर मैट, साथ में ये लॉक मैट भी मिलेगा। ये आफ्टर मार्केट डोल सील प्लेट्स मिलेंगे, जो कि आपको स्विफ्ट लिखा हुआ मिलेगा। बाकी सब कुछ स्टॉक है गाड़ी में, ऐसा कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। ये आफ्टर मार्केट डोर वाइजर लगा हुआ है गाड़ी में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये स्विफ्ट का डोर सील प्लेट। बाकी फीचर्स की बात करूँ तो ऐसा कुछ आपको बड़ा फीचर नहीं मिलता है इसमें, नॉर्मली है। चारों पावर विंडोज, ये वन टच डाउन है सिर्फ। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपका ये मिरर और पावर स्टीयरिंग मिलेगा आपको डुअल एयरबैग के साथ। यहाँ पर ड्राइवर एयरबैग, साथ में यहाँ पर आपका पैसेंजर एयरबैग भी है। आपको नॉर्मल एसी मिलेगा, एसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत ही कूल एसी है इसमें। म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड है, जिसका आउटपुट बहुत अच्छा है, साउंड वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया है। यहाँ पर आपका रिवर्स पार्किंग सेंसर का डिस्प्ले दिया गया, जो कि कैसे वर्क करता है मैं आपको भी दिखाऊंगा, वो भी बैक करते टाइम गाड़ी। और किलोमीटर्स गाड़ी चली हुई है 45,000 किलोमीटर्स गाड़ी ड्रिवन है और ये फर्स्ट ओनर में गाड़ी है। डिटेल्स आपको दिखाता हूँ अभी। ये न्यू शेप स्विफ्ट ZXi April 2019 की रजिस्टर्ड है, इंश्योरेंस फेल है, एक साल का नया इंश्योरेंस बना के देंगे आपको। फर्स्ट ओनर में पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ 45,000, चली हुई विद सर्विस रिकॉर्ड और नॉन एक्सीडेंटल की गारंटी। आस्किंग प्राइस है 5,79,000, छोटा मोटा ऑन टेबल नेगोशियबल होगा। गाड़ी में ऑलमोस्ट 4.5 लाख से 5 लाख रुपये तक का लोन भी हो जाएगा। तो अब गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट और चलते हैं टेस्ट ड्राइव में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है भाई। एसी को कर लेते हैं फुल। इसका एवरेज बहुत अच्छा रहता है, अराउंड 20 km/h का आपको इस गाड़ी में माइलेज मिलता है। और मेंटेनेंस तो कुछ है नहीं, पिकअप भी गाड़ी में बहुत ही बढ़िया है और मेंटेनेंस तो कुछ नहीं है, मारुति की गाड़ी है। पार्ट्स भी बहुत ही सस्ते हैं इसके, कुछ भी ऐसा महंगा नहीं है इसमें। तो यहाँ पर देखिए जैसा बैक हो रहा है, अगर वो सेंसर के पास कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो आपको सेंस करके एक आवाज़ दे रहा है, वही पार्किंग सेंसर्स काम करते हैं। और ज़्यादा कुछ दीवार वगैरह या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के पास जाएगा ये, तो वहाँ पर मीटर से लिखेगा कि इतना मीटर और पीछे आप जा सकते हैं, उसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते। बाकी एक बार इसका म्यूजिक पहले चेक कर लेते हैं ड्राइव में जाने से पहले, मैं भी इसका म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ आपको।
म्यूजिक सिस्टम बहुत ही अच्छा है, आपको एक बार साउंड थोड़ा स्पीड करके दिखाता हूँ। म्यूजिक सिस्टम में बहुत ही बढ़िया पावर है, बहुत बढ़िया प्ले होता है। आप अगर म्यूजिक पसंद करते हैं तो आपके लिए गाड़ी बहुत ही सूटेबल रहेगा। आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कराना पड़ेगा या फिर कुछ भी अपग्रेडेशन नहीं कराना पड़ेगा, नया स्पीकर वगैरह डाल के इसी में आपका काम चल जाएगा। आपको बंद करते हैं, हॉर्न्स, लाइट्स वगैरह, पावर विंडोज, रिमोट लॉक सब कुछ वर्किंग है। कुछ भी फीचर्स खराब नहीं, हम लोग जितना भी गाड़ी आपको देते हैं मैक्सिमम गाड़ियों में सारा फीचर्स चालू रहता है। किसी किसी गाड़ियों में एक दो छोटा मोटा पावर विंडो शायद नहीं काम कर रहा होता, बाकी सब में सब कुछ काम कर रहा होता, जो कि हम आपको ओके भी करा के देते हैं अगर कुछ छोटा मोटा दिक्कत है तो। मोस्टली हम लोग दिक्कत वाली गाड़ी बिल्कुल भी प्रोक्योर नहीं करते हैं, तो ये गाड़ी भी वैसा ही एकदम बढ़िया से बढ़िया कंडीशन में है। यहाँ से टर्न करने के बाद एक बढ़िया सा पिकअप लेके देखेंगे इस गाड़ी में। इस गाड़ी का ये फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग डिजाइन मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है पर्सनली। गाड़ी आप बिल्कुल एफर्टलेसली चला सकते हैं, सिर्फ आपको फ्यूल डालना है इस गाड़ी में, आप इसको चला सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ का मेंटेनेंस नहीं करना है फिलहाल, बाकी आप अगर चाहें तो एक नॉर्मल सर्विसिंग कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी का। बाकी तो इतना ही है, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। बाकी आप आके खुद से भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप जिसको जानते हैं शोरूम वाले या फिर आपके टेक्नीशियन मैकेनिक किसी को भी ला के गाड़ी टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों चैनल में बने रहिए।